हेलो फ्रेंड, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग हिपी में प्लेलिस्ट कैसे बनाएंगे और आप लोग एक प्लेलिस्ट में कितने वीडियो को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों तो वीडियो कर देंगे लाइक और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जाकर ऑल पर सेट कर लेंगे। तो दोस्तों आपको लेकर चलते हैं अपने फोन स्क्रीन पे और जो जो आपको स्टेप बताएंगे उस स्टेप को आप लोग जाकर ध्यान से फॉलो करेंगे। चलिए दोस्तों मेरे फोन स्क्रीन पे फाइनली दोस्तों अपने फोन स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आने के बाद आप लोग जाकर हिपी ऐप को प्ले स्टोर में जाकर हिपी ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद वहां से अगर आपका अपडेट आया होगा तो अपडेट जाकर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग हिपी ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप अपने प्रोफाइल में जाकर विजिट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यार हाँ मेरा प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस तरह गाइस आपका भी प्रोफाइल वहाँ पे ओपन हो जाएगा आपके फोन में। दोस्तों तो मेरे फोन में मेरा प्रोफाइल ओपन होकर आ चुका है। तो जाकर आप लोग हमको यहाँ से फॉलो कर लेंगे। तो दोस्तों फॉलो करने के बाद आपको देखेंगे एक नीचे में गाइस आइकन शो होगा प्लस का, उस पर जाकर आप लोग क्लिक करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे आप लोग कैसे नया प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे। तो सिंपल जाकर आप लोग प्लस वाले आइकन पर आप जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें बोलेगा गाइस नेम प्लेलिस्ट, आप वो गाइस प्लेलिस्ट का नाम पूछेगा। तो इसमें देगा गाइस इंटर ए प्लेलिस्ट नेम, वहाँ पर गाइस आपका जो भी प्लेलिस्ट का नाम रखना होगा वो आप रख सकते हैं। जैसे कि हम अपना प्लेलिस्ट का नाम यहाँ पर डाल दिए हैं। डालने के बाद दोस्तों आपको एक नीचे में ऑप्शन शो होगा नेक्स्ट का, उस पर जाके आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका गाइस प्लेलिस्ट में कितना वीडियो ऐड हो सकता है एक प्लेलिस्ट में, दोस्तों आपका कम से कम गाइस आपका 5 वीडियो ऐड कर सकते हैं। अधिक में गाइस आप जितना सारा करना चाहते हैं उतना आप ऐड कर सकते हैं अपना एक प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो। दोस्तों तो आप जाकर 5 वीडियो को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आप जाकर फिर से नेक्स्ट पर आप जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जिस वीडियो को आप लोग ऐड किए होंगे वो वीडियो गाइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों तो आप लोग जिस वीडियो को ऐड किए होंगे उस वीडियो को आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे ऑप्शन शो होगा नीचे में क्रिएट ए प्लेलिस्ट का, उस पर जाके आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका प्लेलिस्ट बनकर रेडी हो चुका है। दोस्तों तो आपका प्लेलिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। एक वीडियो लगेगा चलने, उसके नीचे में आपका गाइस प्लेलिस्ट में जितना सारा वीडियो हो सब आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों तो ये तो रहा आप लोग प्लेलिस्ट कैसे बनाएंगे। दोस्तों तो और आप चाहते हैं प्लेलिस्ट को डिलीट करना तो आप लोग कैसे डिलीट करेंगे। दोस्तों तो इसके लिए आपको जिस प्लेलिस्ट को डिलीट करना है उस प्लेलिस्ट को आप लोग जाकर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा 3 डॉट का, उस पर जाके आप लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस आपके पास 2 ऑप्शन शो होंगे। एक ऑप्शन होगा गाइस शेयर का और जो गाइस सेकेंड में ऑप्शन आएगा डिलीट प्लेलिस्ट का। तो सिंपल जाकर आप लोग डिलीट प्लेलिस्ट पर आप लोग जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक और ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ शो हो जाएगा इंग्लिश में गाइस आर यू श्योर। तो क्या आप श्योर हैं प्लेलिस्ट को डिलीट करने का, तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा यस और नो। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यस पे जाके आप लोग क्लिक करेंगे तो वहां से गाइस आपका प्लेलिस्ट डिलीट हो जाएगा। दोस्तों तो आपको ये जानकारी कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो कर देंगे लाइक और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर सेट कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर से कोई और नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, जय हिंद।